सो हे गाइस, वेलकम बैक टू। और देखो, SOL के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ गई है आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट से रिलेटेड। तो यार, बच्चे परेशान हो रहे थे कि भाई हमारे असाइनमेंट रह गए, हमने रीअपलोड रिक्वेस्ट डाली भी है एंड लास्ट डेट आने वाली है, तो क्या होगा। तो यार देखो, आपकी लास्ट डेट जो असाइनमेंट की है वो एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ असाइनमेंट फॉर ऑल UG कोर्सेज हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 4 डेज। और BCom ऑनर्स के सेकंड ईयर के बच्चों के लिए 2 दिन का एक्सटेंशन मिला है फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्स। तो सिंपली आप देख सकते हो, जो BA प्रोग्राम फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनकी लास्ट डेट असाइनमेंट की 11 जुलाई 2020 थी, अब वो 15 जुलाई 2020 हो गई है। BCom के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बच्चे, उनकी 11 जुलाई थी, उनकी 15 जुलाई हो चुकी है। BA ऑनर्स इंग्लिश के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनकी 11 जुलाई थी, वो भी 15 जुलाई हो चुकी है। एंड प्रॉपरली पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट एंड सेकंड के, उनकी भी 11 से 15 हो चुकी है। ऐसे ही BCom ऑनर्स के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनकी भी 11 जुलाई से 15 जुलाई एक्सटेंशन हो चुका है। एंड अब जो BA प्रोग्राम सेकंड ईयर के बच्चे, जिनकी 8 जुलाई थी, उनकी अब 12 जुलाई हो चुकी है। BCom के सेकंड ईयर के बच्चों की जो 12 जुलाई थी, वो उनकी 16 जुलाई हो चुकी है। एंड BA ऑनर्स इंग्लिश सेकंड ईयर के बच्चों की 10 जुलाई थी, अब वो 14 जुलाई हो चुकी है। एंड BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर के बच्चों की जो 10 जुलाई थी, वो 14 जुलाई हो चुकी है। एंड BCom ऑनर्स सेकंड ईयर के बच्चों की जो 18 जुलाई थी, वो अब 20 जुलाई हो चुकी है। तो मेनली आप देख सकते हो कि जॉन से भी कोर्स में आप हो, आपको अनदर 4 डेज का टाइम मिल चुका है। तो यार, अब आप टेंशन फ्री होके अपना असाइनमेंट, अगर कोई रह गया है तो उसको प्रॉपरली अपलोड कर दो। अगर री अपलोड रिक्वेस्ट आपने डाली है तो अप्रूवल आ जाएगा एंड आप अपलोड कर देना, कोई टेंशन मत लो। जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया, आपने कोई गलती नहीं करी है, आपने डिले नहीं किया रिक्वेस्ट में, अप्रूवल में डिले हो रहा है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यार देखो, जो बात थी SOL ने मेरी सुन ली एंड वही चीज हुआ कि आपको अनदर 4 डेज का टाइम मिल चुका है अपने असाइनमेंट अपलोड करने का। एंड जो BCom ऑनर सेकंड ईयर के बच्चे, खाली उनको 2 दिन का टाइम मिला है, बाकी सबको 4-4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो यार, अब बिना किसी टेंशन के अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके अपलोड करो। कोई गलत अपलोड हुआ तो उसको रीअपलोड रिक्वेस्ट डाल के अप्रूवल आते ही अपना नया असाइनमेंट अपलोड कर देना, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। पैनिक में थे आप तो कोई बात नहीं, अब आपका टेंशन और पैनिक सब खत्म हो जाएगा इस ऑफिशियल नोटिस के बाद। देखो यहां पे सिंपली नीचे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली द कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स ऑफ अपलोडिंग ऑफ असाइनमेंट इन वेरियस कोर्सेज विद इफेक्ट फ्रॉम 10th जुलाई 2020 विल बी इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहां पे आपको सिंपली डेट वाइज दिया हुआ है ऑल पेपर्स का, आपके पर्टिकुलर कोर्स के हिसाब से अपलोडिंग की टाइमिंग भी आपको दे दिया कि जिस टाइम से जिस टाइम तक आप अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेन चीज ये आ चुकी है कि इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आपको 4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं अपने असाइनमेंट को अपलोड करने के लिए। यार अब तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ और अब आराम से अपने असाइनमेंट अपलोड करो। एंड फिर से बोल रहा हूँ, देख कर अपलोड करना कि सही असाइनमेंट अपलोड कर रहे हो। तो यार, ये ही एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस था एंड आई होप आपको बहुत रिलीफ मिला होगा इस नोटिस को सुनने के बाद। So that's it for this video. मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।